5 GB के होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, इसके बारे में बात कर रहा था मैं पहली बार, स्टॉक का नाम मतलब नाम ही मैं जिक्र कर रहा हूँ इस कंपनी का पहली बार, और कभी भी रेकमेंड नहीं किया था, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 10-12 सालों में होटल स्टॉक्स बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किए, तो पोस्ट कोरोना जो मतलब एक रिवेंज कंजम्पशन आया है, रिवेंज टूरिज्म है, और अभी मैं चैनल चेक से बोल रहा हूँ क्योंकि हर हफ्ते या हर 10 दिन में कहीं ना कहीं जाना हो रहा है कोई ना कोई कारण से, भले वो मैरिज हो या कोई फंक्शन हो या कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस हो, तो देखते हैं कि किस तरीके का मतलब वहां पे टैरिफ बढ़ा है और किस तरीके की डिमांड है, मतलब रूम की ऑक्यूपेंसी लेवल्स आर एक्सेलेंट। और वैसा ही देखिए ताज ग्रुप है, ताज का नाम आ जाए और इंडियन होटल्स मतलब यानी कि टाटा ग्रुप का नाम आ जाए तो फिर कहीं कोई टेंशन नहीं है। हालांकि जीबीके का नाम आ रहा था तो मैं थोड़ा सा सबड्यूड था क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, बट फिर ओवरऑल अब देखते हैं फंडामेंटल्स को, और जो इनकी 1995 से इन्होंने जो काम किया है और गजब की प्रॉपर्टीज इन्होंने खड़ी की है। जनरली जीबीके का नाम आया तो जनरली हैदराबाद के आसपास इनकी इन्वेंट्रीज थी, बट अब जो टाटा ताज की जो सेंटाक्रूज वाली प्रॉपर्टी है वो भी इसी होटल में आती है और 280 के लगभग रूम्स है, तो अच्छी खासी रूम्स की इन्वेंट्री भी है, 1400 के लगभग रूम्स की इन्वेंट्री है इनकी। और कंपनी का जो रेवेन्यूज है अच्छा खासा रेस्टोरेंट्स एंड बार से भी आता है और रूम्स से भी आता है, रूम्स के अलावा देखिए आप रेस्टोरेंट्स एंड बार से जो रेवेन्यूज है वो अच्छा खासा है। और जो एक बढ़िया बात अभी मुझे जो लगी इनकी ये है कि कंपनी ने एक SPV भी बनाया है जहां पे इन्होंने एक ग्रीनवुड पैलेसेस एंड रिजॉर्ट्स बोल के एक बनाया है जिसमें ताज जीबीके की होल्डिंग है। और अब ये स्टॉक को मैं देख रहा था 2006-7-8 में जो तेजी आई थी तब ये 300 के लेवल्स क्रॉस किया था, वहां से अच्छा खासा 50 रुपए के लेवल्स पे भी आया और अब अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है। 15 के P/मल्टीपल पे स्टॉक है और डेट्स कोई बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, 177 करोड़ के डेट्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत बढ़िया, करीब 33%, इनफैक्ट पिछले कई सालों में अगर देखें तो बेस्ट एवर क्वार्टर इनका दिसंबर का रहा, 33% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बड़ा होता है इनके लिए। और 12 करोड़ का पैट था दिसंबर 2012 में, उसके सामने 22 करोड़ का पैट। अब बात यह है कि पिछले अगर 4-5 क्वार्टर को देखें तो कंपनी ने गजब का काम किया क्योंकि कोरोना के दौरान कंपनी काफी ब्लीड कर रही थी और अब 76 करोड़ का पैट पे TTM बेसिस पे कंपनी बैठी हुई है, तो ये एक और बहुत बढ़िया लगता है मुझे। और प्रोमोटर्स की 75% स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है और FIIs DIIs भी करीब 4.5% के लगभग होल्ड करते हैं। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखते हैं तो दमानी एस्टेट एंड फाइनेंस उनका भी 2.38% करीब होल्ड करते हैं। तो ओवरऑल कंपनी पे बहुत कॉन्फिडेंस आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर और रिजल्ट्स को देखकर और आने वाले प्रोस्पेक्ट्स को देखकर, क्योंकि भले ही अभी एक बार टूरिज्म का सीजन चला गया हो क्योंकि अब थोड़ा समर सीजन स्लैक रहता है, बट इस बार जो हॉलीडेज को देखता हूं तो एक्सटेंडेड वीकेंड्स बहुत सारे आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले साल में भी ये कंपनी अच्छा करेगी। और रिसेंटली इसने 236 का हाईज बनाया, वहां से करेक्ट हुआ है, तो 230 का पहला टारगेट, 250 का दूसरा टारगेट, और जैसा कि मैंने कहा लाइफ टाइम हाईज 320 का भी बनाया हुआ है, तो बहुत स्कोप है अभी। और डाउनसाइड रिस्क मुझे बहुत कम लगती है क्योंकि टेक्निकली भी अपने 200 डेमास के आसपास ट्रेड कर रहा है, मार्केट्स के करेक्शन के साथ जरूर से करेक्ट किया है। सो बाय दिस स्टॉक फॉर 230 to 250 टारगेट्स।